सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्फो आर्ट सर्विस की जो एक न्यू ट्रिक है उसके बाद हम बात करने वाले हैं। तो एक नई ट्रिक यहाँ पर लेकर आया हूँ जिससे कि आपकी मार्फो आर्ट सर्विस विंडोज 7 में प्रॉपर वर्क करने लगेगी। क्योंकि दोस्तों पिछले 4 से 5 दिनों से आप काफ़ी परेशान है कि आपकी विंडोज 7 में आपकी मार्फो आर्ट सर्विस यहाँ पर काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों आप काफ़ी परेशान होगा, आपने यूट्यूब में कई सारी वीडियो आपने देखी होगी लेकिन आपकी यार मार्फो आर्ट सर्विस की प्रॉब्लम विंडोज 7 में सॉल्व नहीं हो रही। लेकिन दोस्तों जो मैं आज की यह ट्रिक बताने वाला हूँ इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों राइट साइड में एक वीडियो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जिसमें मैंने आपको बताया है कि विंडोज 7 आपको ऑन बिल्कुल लाइव दिखाया कि विंडोज 7 में आपकी मार्फो आर्ट सर्विस कैसे चल रही है, यानी कैसे काम कर रही है। तो गाइस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, अगर लास्ट तक देखेंगे तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं मैच को मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां आपको बताऊंगा कि इसकी मार्फो वाली सर्विस से रिलेटेड जो न्यू ट्रिक है उसके बाद आज की इस वीडियो हम बात करने वाले। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे चैनल में काफ़ी कम सब्सक्राइबर है, दोस्तों जल्दी से उसको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिएगा। तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। गाइस मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर आरडी सर्विस को आपको कौन सा ड्राइवर इंस्टॉल करना है, क्योंकि दोस्तों आप लोग ड्राइवर हमेशा गलत चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं पहले आपको ये भी दिखा देता हूँ अपनी मार्फो आरडी सर्विस को, पहले मैं अपने कंप्यूटर में लगा दिखा देता हूँ कि ये वर्क कर रही है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको भरोसा नहीं होता। दोस्तों मैंने यहाँ से इसको ऐसे लगा दिया है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको लगा दिया है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ डिवाइस। ठीक है, मैं पहले कंट्रोल पैनल खोल लेता हूँ और दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं टेलीमेट्री चेक सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया ताकि आपको भरोसा हो जाए, कि क्योंकि आप लोग फालतू में कमेंट कर देते हैं और कमेंट में काफ़ी गंदा लगता है मुझे भी। ठीक है, तो डिवाइस एंड प्रिंटर में मैंने क्लिक कर दिया डबल क्लिक करके। ठीक है, यहाँ सारी आपको डिवाइसें मिल जाएंगी और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी मार्फो स्मार्ट चिप जो CVM है यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, और आप लोगों ने ये भी देख लिया, मैं इसको फिर से हटा के फिर से आपको लगा देता हूँ अपनी मार्फो वाली डिवाइस ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे क्योंकि उसका मैसेज थोड़ा लेट आता है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर जैसे लिखा है टेलीमेट्री फ्रॉम चेक्ड सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेरा मार्फो वाली सर्विस प्रॉपर काम कर रही है। अब दोस्तों मैं देख लेते हैं कि यहाँ पर पहले आपको कौन सा ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना चाहिए उसके लिए बात कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो आप डाउनलोड्स ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विंडोज लोकल होस्ट, केवल दोस्तों आपको यही वाला इंस्टॉल करना होगा क्योंकि दोस्तों मैंने यही इसको इंस्टॉल कर रखा है तभी मेरे कंप्यूटर में प्रॉपर वर्क कर रही है। अब दोस्तों मैं इसको पहले मिनिमाइज कर देता हूँ। दोस्तों आपको करना क्या होगा, पहले आपको अपने कंट्रोल पैनल में आपको जाना होगा और यहाँ से पहले अपना जो आपका पुराना वाला है उसको पहले ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर देना होगा यहाँ जाके। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी भी इंस्टॉल किया है इसलिए मैं इसको अनइंस्टॉल नहीं करूँगा। तो आप लोगों को केवल इसको सिंपली इंस्टॉल जो है आपके वाले में उसको अनइंस्टॉल कर देना होगा। जितने भी आपको मार्फो के डिवाइस के हैं वो सारा आपको अनइंस्टॉल कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने इसको कट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आएंगे, आपको अपनी कंप्यूटर से मार्फो वाली डिवाइस को हटा देना होगा और यहाँ सिंपली आपको सर्च करना होगा परसेंटेज। ठीक है, और टेम्प। ठीक है, क्योंकि आप लोग टेम्प फाइल डिलीट नहीं करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो जाती है। ठीक है, टेम्प परसेंटेज फिर लगा दिया और इसके बाद ये टेम्प की फाइल दिख रही ऊपर इसमें ओपन कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जितना भी आपका डाटा होगा तो वो आपको डिलीट कर लेना होगा। दोस्तों मैंने पहले इसको डिलीट कर रखा तो मैं डिलीट नहीं करूँगा, तो आपको यहाँ से डिलीट कर लेना होगा। डिलीट करने के बाद सिंपली इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद आपको करना क्या होगा, जो अपना रिसाइकल बिन है वहाँ ओपन करेंगे और रिसाइकल बिन में आपको जितना अभी आपका टेम्प वाला डाटा डिलीट है वो सिंपली आपको डिलीट कर देना होगा। ठीक है, तो मैंने इसको पहले डिलीट कर रखा है तो मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो मैंने इसको कट कर दिया। आपको रिसाइकल बिन से भी अपना पूरा डाटा आपको यहाँ पर डिलीट कर देना होगा। इसके बाद करना क्या होगा दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेना होगा। दोस्तों रिस्टार्ट करने के बाद सिंपली आप करेंगे क्या, फिर से आप अपने जो आरडी डिवाइस है या ड्राइवर है उसका यहाँ से आपको विंडोज लोकल होस्ट सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने पर आपको करना क्या होगा, आपके पास अगर कोई विंडोज 10 का कंप्यूटर है तो दोस्तों आपको वो ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद सिंपली आप करेंगे क्या, ठीक है सीधा लोकल डिस्क ड्राइव में जाएंगे। उसमें अगर दोस्तों अगर आपको विंडोज 10 में अगर आपका ड्राइवर इंस्टॉल है तो सिंपली आपको ओपन करना होगा, उसके सी ड्राइव में जाएंगे और जाने के बाद उसने लिखा है मार्फो आर्ट सर्विस लोकल होस्ट, सिंपली इसमें क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो ये फाइल दिख रही है MSO डिवाइस की, दोस्तों ये सर्वर डिवाइस होती है, यानी सर्वर की जो यहाँ पर दिख रहा है जो ये फाइल दिख रही है 5 KB की है MSO डिवाइस। सिंपली आपको उसी को अपने विंडोज 10 के कंप्यूटर से यहाँ पर कॉपी कर लेना होगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको किसी पेन ड्राइव में डालकर अपने विंडोज 7 के कंप्यूटर में लेकर आना होगा। ठीक है,
वहाँ से लेकर आने पर सिंपली आप करेंगे क्या, फिर से अपना खोलेंगे यहाँ पर, यहाँ आएंगे लोकल डिक्सी में, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अपना आपने जो लोकल होस्ट ड्राइवर इंस्टॉल किया था उसको इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा होगा मार्फो आरी सर्विस लोकल होस्ट, ठीक है। इसमें ओपन कर लेंगे हेलो सॉफ्ट में और यहाँ आकर सिंपली आपको पेस्ट कर देना होगा दोस्तों, यहाँ लिखा है MSO डिवाइस, सिंपली आपको इसी को पेस्ट कर देना होगा। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो दोस्तों इसके बाद पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको कट कर देना होगा। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप सर्विस में जाएंगे और अपनी, अभी आपको मार्फो डिवाइस नहीं लगाना होगा, ठीक है। ये सर्विस जाने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना मार्फो वाली सर्विस को सिंपली रिस्टार्ट कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है ये सब करना, ठीक है। तो दोस्तों इसको रिस्टार्ट कर लेंगे, रिस्टार्ट करने के बाद सिंपली आपको करना क्या होगा, इसको कट कर देंगे, रिस्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपन आपको अपने कंप्यूटर को फिर से एक बार रिस्टार्ट कर देना होगा, रिस्टार्ट करेंगे उसके बाद ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों अब आपको अपने मार्फो आई डिवाइस को लगाना होगा और जैसे ही लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट साइड देखेंगे यहाँ पर कुछ आपको स्कैनिंग करेगा, आपकी जो CBM होती है मार्फो चिप CBM होती है वो कुछ देर स्कैनिंग करेगा और यहाँ पर एक बार टेलीमेट्री अनसक्सेसफुल बता देगा, उसके बाद कुछ देर बाद आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर सक्सेसफुल बता देगा, ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने भी किया है, तो आप लोगों को ऐसे ही इसी प्रकार से आपको कर लेना होगा, ठीक है। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा विंडोज 7 है और दोस्तों ये जो प्रक्रिया है, अगर आपका विंडोज 7 64 बिट का है तो तभी दोस्तों ये आपका काम करेगा, अगर 62 यानी 32 अगर बिट का अगर आपका कंप्यूटर है तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको ये नहीं कह सकता कि 50% में चांसेस है कि 32 में चल जाएगा, लेकिन 64 बिट में 90% ऐसे चांसेस हैं कि अगर ये ट्रिक आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो मार्फो वाली सर्विस है प्रॉपर वर्क करने लगेगी। दोस्तों अब केवल करना क्या होगा, यहाँ पर आपको मैंने जो आपको बताया कि आपको विंडो 10 वाले कंप्यूटर से आपको सी ड्राइव में जाना होगा, यहाँ से आपको मार्फो वाली सर्विस लोकल सॉफ्ट को खोलना होगा, यहाँ से MSO डिवाइस नाम की फाइल को आपको कॉपी करके अपने विंडो 7 में आके यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही आसानी से अपने मार्फो आरे डिवाइस को आसानी से अपना सेटअप कर पाएंगे। ये सेटिंग दोस्तों बहुत ही यूनिक है दोस्तों, मैं पिछले यहाँ 3 घंटे से परेशान था आज, तो मैंने इसको इस ऐसी ट्रिक को यहाँ पर निकाला और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मेरी जो मार्फो आरी सर्विस है यहाँ पर विंडोज 7 में प्रॉपर वर्क कर रही है। तो गाइस यही थे एक छोटी सी वीडियो, तो गाइस वीडियो सुनने से पहले अगर दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।